वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम LRP ऐप पर मिड टर्म असेसमेंट या बेस लाइन असेसमेंट का रिजल्ट कैसे अपलोड करेंगे बताऊंगा। LRP ऐप ओपन करने के बाद स्टूडेंट्स एग्जाम वाला जो बटन है वहाँ पे क्लिक कीजिए। उसमें सबसे पहले आपको अपने क्लास सिलेक्ट कर लेना है, सेक्शन सिलेक्ट कर लेना है, सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेना है, टर्म बेस लाइन मिड टर्म एंड टर्म। तो मिड टर्म चला, मिड टर्म सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपने स्टूडेंट सिलेक्ट कर लेना है। सारे बच्चे जो भी एनरोल हुए होंगे सब यहाँ पर नज़र आएंगे, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ बच्चे का नाम। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 इंग्लिश में कुल मिला के 5 क्वेश्चन आए थे और 5 में हर क्वेश्चन का मार्क जो है 5 करके था, यानी कि कुल मिला के टोटल मार्क 25 था। इससे हमारे लड़के ने 25 से 25 रखा है, तो 100% मार्क। अपलोड सक्सेसफुल हो चुका है, मैंने सक्सेसफुल अपलोड कर दिया है। और मैं इसका जो है क्वेश्चन शीट जो मैं आपको दिखा देता हूँ, आंसर शीट जो उसने किया था, तो यहाँ पे 25 out of 25 है। ऐसा नहीं कि आप बोलेंगे कि दिखाने के लिए कर दे रहा है। बहुत सारे लड़के हमारे स्कूल के 25 out of 25 लड़के लड़कियाँ रखें। अगर इससे कोई रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट करें।